दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि डेबिट कार्ड पर एक एक्सपायरी मंथ और ईयर दिया जाता है। उस मंथ और ईयर के बाद वो डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद हम डेबिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मेरे पास ये बैंक का बड़ौदा डेबिट कार्ड है, एक्सपायर हो चुका है जनवरी 2023 में। मैंने कस्टमर केयर को कॉल करके पूछा कि भाई ये कार्ड मेरे को अब दोबारा कैसे मिलेगा। उन्होंने बताया कि लास्ट 6 महीने के अंदर अगर आपने अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अगर कैश विड्रॉल किया है ATM से तो ये ऑटोमेटिक ही आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जाना पड़ेगा बैंक में। बैंक में जाने में वहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड बनकर आएगा। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि मेरे पास डेबिट कार्ड आ चुका है। अगर आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो अपने कस्टमर केयर में कॉल करके जरूर पूछ लीजिएगा और लास्ट 6 महीने के अंदर अपने डेबिट कार्ड को एक बार यूज जरूर कर लीजिएगा। आपकी जानकारी कैसे ली प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।